जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं निमरी माता की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। निमरी माता की कथा सुनी जाती है सतुरी तीज या कजली तीज पर। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन निमरी माता की कथा और सातुरी तीज की कथा सुनी जाती है। यहाँ दो निमरी माता की कहानी जो व्रत और उपवास के दिन सुनी जाती है। आइए सुनते हैं निमरी माता की कहानी। कजली तीज की तिथि, महत्व और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 2 सितंबर को मनाई जाएगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। उदय तिथि के अनुसार 3 सितंबर रविवार को कजरी तीज मनाई जाएगी। इस बार सातुरी तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं। 3 सुकर्मा योग और सर्वात सिद्ध योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। आइए सुनते हैं निमरी माता की कहानी। एक सास बहु थी, बहु की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास बहु अपने पड़ोसी के घर गई तो देखा कि पड़ोसी के घर निमरी माता की पूजा हो रही है। फिर सास और बहु ने अपने पड़ोसी से पूछा कि निमरी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसी ने कहा कि निमरी माता की पूजा करने और व्रत के दिन निमरी माता की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाती है तो मैं 1.25 शेर का पिंड माता रानी को अर्पित करूंगी और भादुड़ी तीज का उपवास करूंगी। कुछ दिन बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि अगर मेरी बहू का कोई लड़का हो जाए तो मैं 1.5 से का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उनकी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले साल जब तीज आई तो सास ने फिर कहा कि जब इस लड़की की शादी होगी तो वह 1.25 का पिंड चढ़ाएगी। कुछ दिन बाद लड़के की भी शादी हो गई। तब तीज का त्यौहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू के साथ निमरी माँ की पूजा करने चली गई। सभी ने पूजा की, लेकिन जब दोनों ने पूजा करनी शुरू की तो निमरी माता थोड़ी दूर खिसक गए। दोनों माता के जितना करीब जाते निमरी माता उतनी ही दूर खिसकती जाती। जब निमरी माता ने उनकी पूजा नहीं मानी तो कुछ महिलाओं ने उनसे कहा कि आपने निमरी माता को कुछ चढ़ाने के लिए कहा है। तो सास ने कहा कि हाँ। तो उन महिलाओं ने कहा कि पहले मनोकामना पूरी करो, तभी निमरी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास बहु ने घर जाकर 1.25 का एक पिंड बनाया और संगीत के साथ गीत गाते हुए निमरी माता की पूजा की और कथा सुनी। कजरी ती पूजा विधि, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखी जाने वाली तीज का व्रत। विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद स्नान कर नए वस्त्र धारण कर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाती है। इसके बाद मूर्ति को लाल या पीले कपड़े से चौकी पर स्थापित करें। फिर गंगा जल, गाय के दूध, शहद आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें।
भगवान शिव और माता पार्वती को शहद की सभी वस्तुएं चढ़ाकर धूप और दीपक जलाएं। इसके बाद सातुड़ी तीज व्रत कथा सुने। फिर अंत में माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगे। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि वे निमरी माता, मेरे बेटा होगा तो मैं तेरे सवा मन का सातु चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से नवे महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमरी माता के सातु चढ़ाना भूल गई। सेठानी के सातों बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़की का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया, वह मर गया। उस तरह उसके छह बेटों का विवाह हुआ और छवों बेटे मर गए। सातवें बेटे की सगाई आने वाली थी लेकिन सेठ सेठानी मना कर रहे थे। गाँव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गाँव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत देर देश में करना है। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां चार पांच लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है, यह खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़के के माँ बाप से मिला, बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर आया, बारात बीच में लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में या तो सत्तू या सिंह डाल रही है, रास्ते में कहीं निमड़ी पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना व कल्पना निकाल कर ससुराल जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को आने के कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर निमड़ी माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। वह निमड़ी माता की पूजा करने लगे। निमड़ी माता पीछे हट गए तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर निमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातु चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी, मेरे छओ जेठ को वापिस लौटा दो, वह मुझे पूजा करके दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गए। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद के अर्घ दिया, सातु पास लिया और ससुराल जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके छओ जेठ प्रकट हो गए। उनको सबको गाजे बाजे से मिल गए। सासु बहू के पैर पड़ने लगे तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं, बोलवा कर इसो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता के सातु चढ़ाने को बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से
कजली तीज आई। 7:15 मा का सातु तीज के दिन चढ़ाया, गाजा बाजा से निमरी माता की पूजा की और बेल पत्र चढ़ाई। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके होवे। छोटी बहन की खरी अधूरी की पूरी करो।